हेलो फ्रेंड्स, मधोज किचन में आपका स्वागत है। आज मैं आपके साथ बहुत ही टेस्टी बर्गर की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। बहुत ही इजी और सिंपल सी रेसिपी है। बर्गर बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आता है। बच्चे बाहर जाते हैं तो बर्गर खाना पसंद करते हैं। मार्केट का बर्गर खाने की कोई ज़रूरत नहीं है। बहुत ही आसानी से टेस्टी बर्गर घर पर बनाएंगे। चलिए बर्गर बनाना शुरू करते हैं। मैंने 3 ब्रेड लिया है। ब्रेड को छोटे छोटे टुकड़े में कर लेंगे और इसे ग्राइंडिंग जार में डालेंगे। इसे ग्राइंड कर लेंगे। ये हमारा ब्रेड क्रम्स तैयार हो गया है। 3 बड़े साइज का बॉयल आलू लिया है मैंने। इसे मैश कर लिया है। अब मैं इसमें ब्रेड क्रम्स डालूंगी। आधा ब्रेड क्रम्स डालेंगे और आधा बचा लेंगे। ब्रेड क्रम्स से जो आलू का टिक्की बनेगा उसमें बाइंडिंग अच्छी आएगी। 2 बारीक कटा हुआ मैंने प्याज डाला है। थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया डालेंगे। आधा चम्मच मैं इसमें अदरक का पेस्ट डालूंगी। आप चाहें तो अदरक को छोटे छोटे टुकड़े में करके डाल सकते हैं। 1 चम्मच इसमें अमचूर पाउडर डालेंगे। स्वाद के अनुसार लाल मिर्च पाउडर और नमक डालेंगे। आप चाहें तो इसमें चाट मसाला डाल सकते हैं। इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इसका एक डो तैयार कर लेंगे। ये आलू का डो तैयार हो गया है। अब मैं इसे 3 पार्ट में कर लूँगी। इससे 3 टिक्कियाँ बनेंगी। टिक्की का साइज आप बन के साइज का रखें। ये हमारी टिक्की तैयार हो गया है। और ये जो ब्रेड क्रम्स हमने बचा के रखा था, इसमें टिक्की को रखेंगे और हल्के हाथों से दबा देंगे। ये ब्रेड क्रम्स इसमें अच्छी तरह से कोट हो जाएगा। इससे टिक्की क्रिस्पी बनेगा। तवे पे मैंने थोड़ा सा तेल डाला है। मैं टिक्की को सेलो फ्राई कर रही हूँ। आप चाहें तो इसे डीप फ्राई कर सकते हैं। तो मैं 2 ही टिक्की बना रही हूँ। 1 टिक्की मैंने रख दिया है, उसे बाद में मैं बनाऊँगी। जैसे ही टिक्की का नीचे से कलर चेंज होगा, इसे पलट लेंगे और दूसरी तरफ भी सेक लेंगे। दूसरी तरफ भी देखिए कलर चेंज हो गया है। तो मैं टिक्की को प्लेट में निकाल रही हूँ। टिक्की बहुत ही क्रिस्पी बना है। तवे पे मैंने थोड़ा सा तेल डाला है। आप तेल की जगह घी या बटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने जो बन लिया है, इसे मैंने 2 पार्ट में कर लिया है। बन को हल्का सा सेक लेंगे। तो ये नीचे से देखिए कलर चेंज हो गया है। तो पलट के इसे दूसरी तरफ से भी सेक लेंगे। तो बन को मैंने सेक लिया है। चलिए अब मैं आपको एक बर्गर बना के दिखा रही हूँ। मैंने लिया है 1 चम्मच टमाटो केचप। इसे लगाएंगे। आप चाहें तो इसकी जगह पर मेयोनीज का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन घर ही में खाना है, कोई बेचना थोड़े ही है। जो भी सामान घर में उपलब्ध हो आप उसी से बनाएं। मैंने आधा चम्मच इधर चिली सॉस लगाया है। कभी कभी तो मैं हरा धनिया की चटनी लगा देती हूँ, उससे भी बहुत ही टेस्टी हमारा ये बर्गर बन के तैयार होता है। अब मैं रख रही हूँ आलू की टिक्की जो हमने बना के रखा है। थोड़ा सा मैं इसके ऊपर रखूँगी लंबे शेप में कटा हुआ पत्ता गोभी, और 2 स्लाइस मैंने रखा है ये प्याज का। 1 स्लाइस रख दे रही हूँ चीज का। 3 स्लाइस मैं रखूँगी खीरे का, और 3 स्लाइस रखूँगी मैं टमाटर का। बहुत ही टेस्टी बर्गर लगता है और घर पर बहुत आसानी से बन के तैयार हो जाता है। बनाना भी बहुत आसान है। इसके ऊपर मैं थोड़ा सा चाट मसाला डाल दे रही हूँ। इससे बर्गर का टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। और मैं 1 टूथपिक लगा दूँगी जिससे ये सलाद बाहर ना निकले। तो इसे आप बनाने के बाद गर्मा गर्म खाएँ। बहुत ही टेस्टी हमारा ये घर पर बर्गर बन के तैयार हुआ है। इसी तरह से मैंने दोनों बर्गर बना के तैयार किया है। और मैंने ऊपर से थोड़ा सा पुदीना लगा दिया है, देखने में अच्छा लगे। तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को हमारी ये बर्गर की रेसिपी ज़रूर अच्छी लगी होगी। रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपसे हम नई रेसिपी में बहुत जल्द मिलेंगे। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।